उत्तर प्रदेश की सियासत में अकबरपुर विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। यहां छठे चरण में 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस बार यहां बीजेपी के धर्मराज निषाद, सपा के राम अचल राजभर, कांग्रेस की प्रियंका जायसवाल, बीएसपी के चंद्र प्रकाश वर्मा के बीच मुकाबला है। इस विधानसभा सीट के सियासी अतीत की बात करें तो यहां साल 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रियदर्शी जेटली ने जीत का परचम लहराया। 1985 में सीपीएम के अकबर हुसैन बाबर यहां से विधायक चुने गए। 1989 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम के अकबर हुसैन बाबर दूसरी बार जीत कर विधायक चुने गए। 1991 में शिवसेना के पवन कुमार पांडे ने यहां जीत हासिल की। यहां साल 1993 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी अपना खाता खोलने में सफल रही। बीएसपी के राम अचल राजभर ने अपनी पार्टी को पहली बार जीत दिलाई। इसके बाद 1996 के विधानसभा चुनाव में राम अचल राजभर दूसरी बार एमएलए चुने गए। बीएसपी की मजबूत होती पकड़ का असर रहा कि साल 2002 और 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के राम अचल राजभर ने लगातार तीसरी और चौथी बार इस सीट पर जीत का परचम लहराया और विधायक बने। लेकिन यह 2012 की विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सपा ने मात दी। सपा के राममूर्ति वर्मा यहां से चुनाव जीते। उन्होंने इस चुनाव में बीएसपी के संजय कुमार को 26,286 वोटों से हराया। इस विधानसभा सीट पर साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां बीएसपी ने जीत का परचम लहराया। बीएसपी के राम अचल राजभर ने समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा को 14,013 वोटों के अंतर से मात दी। बीएसपी के राम अचल राजभर ने 72,325 वोट हासिल किए, जबकि समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा को 58,312 वोट मिले थे। बीजेपी के चंद्र प्रकाश वर्मा 57,821 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। साल 2017 में वोट प्रतिशत 35.40 रहा। यहां कुल वोटर्स की संख्या 268,672 है। इनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 145,089 और महिला वोटर्स की संख्या 123,570 है। विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा दलित वोटर्स की संख्या है, वहीं दूसरे नंबर पर कुर्मी, राजभर और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता भी जीत में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। अकबरपुर विधानसभा सीट पर इस बार हो रहे सियासी रण में सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। इलाके में विकास की गंगा बहाने की बातें कही जा रही हैं। उम्मीदवार और पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर वोटर्स से अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन अकबरपुर विधानसभा के वोटर इस बार के चुनावी रण में किस पर भरोसा करते हैं, किसके पक्ष में मतदान करते हैं और कौन यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचता है, ये सब 10 मार्च को नतीजों वाले दिन हम सबके सामने होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।